हेलो नमस्ते, राम राम। और आप सभी को राहु जी का सादर प्रणाम। आज हम कहीं जा नहीं रहे, आज हम किसी से मिल नहीं रहे, आज वेल्ले हैं। तो मैंने सोचा वेल्लागिरी जो करता हूँ वो भी आपको दिखाऊं, और थोड़ा समय कम मिल पाता है, काम भी बहुत ज़्यादा है और कई चीज़ें ऐसी हो जाती है लाइफ में जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होती हैं। और सुख दुख तो चलता रहता है जिसको कहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरी भी कुछ इसी तरीके से समय लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी या है, तो बट ठीक है, इसीलिए ईश्वर ने हम लोगों को इंसान बनाया है ना, नहीं तो फिर जानवर बनाते हैं जिनके अंदर कोई फीलिंग्स ही ना हो, शायद उन्हें किसी चीज़ का बुरा ना लगे। अब मानव बनाया है तो इंसान बनाया है तो ये तो होना ही है, ये तो फैक्ट है। सो लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चढ़ाव आते हैं, सभी के आते हैं जीवन में, मेरा कोई अनोखा नहीं है, सबके आते हैं। बट वो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, तो जो कंटिन्यूटी आपके साथ बनी है वो टूटनी नहीं चाहिए। और मुझे भी बहुत दिल से अच्छा लगता है कि मैं आपसे बातें कर पाता हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो मेरा थोड़ा पर्सनल वीडियो है। पर्सनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे किस चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक है, और वो शौक है मुझे खुशबू का। ओके, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रेग्रेंस एंड आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू ऑल व्हाट काइंड ऑफ परफ्यूम आई यूज, आई एम गोना शो यू। So if you like it, you can go and you can also buy it. तो आओ मैं अपने आज पिटारे से निकालता हूँ अपने सारे परफ्यूम्स, सारे इत्र। So this is my all collection. और मैं एक एक करके आपको बताता हूँ मैंने कहाँ से क्या खरीदा है, ताकि आप जाइए और आप भी खरीद सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ, सस्ता वाला दिखाऊँ पहले कि महंगा वाला। ओके, लेट्स स्टार्ट विद चीप। सो चीपेस्ट में आई गेस, या दीज आर लाइक वेरी चीपेस्ट, और ये कोई तो लताफा करके है। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे ब्रांड से मतलब नहीं रहता है, आई वॉन्ट अ गुड फ्रेग्रेंस। Either it is cheap, it's fine. Either it is in high rate, that's still fine. तो ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है और इनके सच में स्मेल बहुत अच्छे आते हैं। ये आपको कहीं भी लोकल शॉप पे मिल जाएंगे। मैंने इसको लिया था, मेरे लखीमपुर में एक शॉप है राज बेल्ट हाउस, तो मैंने उसके यहाँ से लिया था। और मुझे लिटरली इसके स्मेल जो है इट्स वेरी गुड, लाइक ये वुड जैसा कुछ स्मेल करता है किसी का, बहुत फ्रेश वो रहता है। तो ये मेरा जो है ये सबसे चीपेस्ट है, विच इज कॉस्ट अराउंड ये कुछ 350 या 400 का है, MRP पे 450 पड़ा है, बट आई डोंट रिमेम्बर उसने मुझे कितने में दिया था। इसके अलावा मैं चलता हूँ आपको जो आजकल बहुत चलता है, विच इज कॉल्ड बियर्डो, और ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा। इसका भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। मेरे पास सच में इतने परफ्यूम्स है ना कि मैं डेली भी अगर अलग अलग इस्तेमाल करूं तब भी नहीं ख़त्म होता मेरा कलेक्शंस। और इन सब के बीच में सबसे महंगा कलेक्शन आपको दिखाता हूं, जो मेरे पास सबसे महंगा कलेक्शन है वो है ये ब्रांड है पैको रेबॉन। सो ये ब्रांड है पोको रेबॉन, इट्स रियली कॉस्टली। जो इसका बड़ा पैक है which is almost 7,000, तो 7,000 में ये मैंने इसका छोटा लिया था 4,500 का। और दूसरा मेरा ब्रांड है मोंटी भाई, एक तो ना इनके नाम भी इतने अजीब और गरीब होते यार, मोंट ब्लैंक। मेरी बड़ी इंग्लिश खराब हो चुकी है सच बता रहा। इसका फ्रेग्रेंस यार, मतलब एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि जो चीप परफ्यूम्स हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। और जो इस तरीके के ब्रांडेड्स होते हैं
उनके ना बहुत रिच फ्रेग्रेंस आती है, जिसको कहते हैं ना एक लेविश, लेविश टाइप की, जिसको कहते हैं लेविश, तो वो एक लेविश टाइप की फ्रेग्रेंस आती है, तो इन सब में वो है। तो मेरे पास सबसे महंगा परफ्यूम ये है अभी तक का, और बाकी जो बचपन से हम लोग लगाते आ रहे हैं वो है डेनवर। डेनवर के साथ मेरे पास यहाँ पर एक और है डेनवर, ठीक है। तो ये दोनों आई डोंट रिमेम्बर, ये मुझे शायद किसी ने गिफ्ट दिया था, या हो सकता है मैं ही लेके आया था, आई डोंट रिमेम्बर। और मुझे इतना ये सब पसंद है ना कि लोग मुझे सच में फ्रेगरेंस ही गिफ्ट करते हैं। हाँ, लेट मी इंट्रोड्यूस अ वेरी स्पेशल थिंग विच इज़ वेरी स्पेशल इन माई लाइफ, बॉडी मिस्ट। आजकल पता है इस चीज़ का बहुत अच्छा दौर चल रहा है, और ये सच में इतनी अच्छी फ्रेगरेंस देता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप नहा धो के आओ, नहाने के बाद आप बॉडी मिस्ट अपनी बॉडी पे लगाओ, एंड लिटरली ये आपको फुल डे चलने वाली है, आपको बहुत अच्छा एक फ्रेगरेंस जो है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये मैंने खरीदा था लखनऊ के एक मॉल विच इज़ कॉल्ड प्लासियो, वहाँ पर बॉडी शॉप है, बॉडी केयर शॉप, बाथ एंड बॉडी कुछ ऐसे करके, उसके दो चार मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। उसका फ्रेगरेंस मतलब यानी मिस्ट भी मैं यूज़ करता हूँ, उसका बॉडी लोशन भी मैं यूज़ करता हूँ, और वो लिटरली बहुत अच्छा स्मेल करते हैं ऑनेस्टली। मतलब इसके साथ तो आप जा सकते हो, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। ये जो मुझे उस समय पड़ा था विच इज़ कॉस्ट, किधर यार है प्राइस उसका, इट्स अ सेवन, इट्स 1700, इसका जो कॉस्ट है वो 1700 है। एक्सपेंसिव ज़रूर है बट लाजवाब है, आप टेलिंग मी, बहुत लाजवाब है। और हाँ, मुझे एक चीज़ों का भी बहुत शौक है जिसको कहते हैं इत्र। ये इत्र मैंने एक्चुअली मथुरा से लिए थे, मथुरा नहीं सॉरी वृंदावन से लिए थे, और मैंने जैसे आपको बताया ना कि मुझे ये मैटर नहीं करता कि वो लोकल ब्रांड है, वो बहुत महंगा है, मुझे बस उसकी खुशबू से मैटर करता है। तो मुझे फ्रेग्रेंस इसके बहुत अच्छे लगे जिसको मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, एंड इट्स एक्चुअली रियली गुड। मैं बताता हूँ उसका स्मेल क्या है, इट्स वेरी स्वीट एंड इट्स गुड। तो ये बहुत अच्छे हैं, ये सब भी मैं यूज़ करता हूँ। इतना सारा कलेक्शन होने के बाद भी मेरा पेट कभी नहीं भरता, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये कोई एक कार्गो है, एक ये लग्जरी ओद है जिसको मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगाया था। अमेज़ॉन पे ही मुझे ये विलन मिला था जो कि हाइड्रा कंपनी का है, और ये विलन भी अच्छा है, फ्रेग्रेंस मैंने जैसा आपको बताया। और हाँ, वो कहाँ गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यस, हमारे बचपन का ब्रांड विच इज़ कॉल्ड लेयर शॉट। बचपन का ब्रांड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लगाया तब, इसके लेयर शॉर्ट्स के गर्ल्स के भी आते हैं विच इज़ कॉल्ड, हाँ शायद यही ब्रांड है, मुझे बहुत ठीक से नहीं याद है, बट लेयर शॉर्ट के वो भी बहुत सारे आते हैं। सो बहुत सारा कलेक्शन है, ये बस अब मैं बहुत ऑनलाइन मंगाता रहता हूँ, और मुझे बट ये है कि ऑनलाइन थोड़ा कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की फ्रेग्रेंस को आप महसूस नहीं करोगे, आप उसको फील नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है। ये एक विस्की है, ये बहुत अच्छा लड़कों में बहुत अच्छा ब्रांड, लड़के बहुत यूज़ करते हैं इसको, और करना भी चाहिए, ये विस्की खाली नाम की है, विस्की जैसी महकती भी है भैया। तो ज़्यादातर परफ्यूम्स मेरे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सारे कलेक्शंस सब रखता हूँ अपने पास, क्योंकि मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है। परफ्यूम्स के साथ साथ मुझे चश्मे का भी बहुत शौक है, लेकिन मेरा चश्मा के साथ एक बहुत बड़ा दुश्मनी है, वो दुश्मनी ये है कि बड़े टूटते हैं मेरे से चश्मे, बहुत टूटते भैया, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं बहुत उनको इस्तेमाल नहीं करता, बहुत एक्सपेंसिव नहीं लेता, क्योंकि जब मालूम है जब मैंने तोड़ ही देना है उसको तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो आई होप आई गेस आपको ये सारे परफ्यूम्स अच्छे लगे होंगे, इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये बहुत उम्दा क्वालिटी का है, एक्सपेंसिव है नो डाउट, बट बहुत अच्छा स्मेल इसका है, और ये मैंने जैसा आपको बताया प्लासियो से ले सकते हो। ये जो आप घड़गड़ घड़गड़ देख रहे हो ना, जो आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, ये एक्चुअली मेरे घर पर काम चल रहा है, वो भी एक दिन आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही।
क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं नल्ला बैठा हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी कुछ दिखाता हूँ, मिलाता हूँ. सो सी यू देन इन नेक्स्ट व्लॉग. सो टिल देन स्माइल, और जाइएगा आप भी इनमें से चेक करिएगा, कुछ आपको अच्छा मिले तो प्लीज़ लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इनमें से कौन सी ब्रांड को खरीदा है.